एक दफा का जिक्र है कि एक बाप और बेटा एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां उन्होंने एक गधा पाला हुआ था। बेटे को गधे से बहुत लगाव था और वो उसके साथ हर रोज खेलता था, क्योंकि उसका और कोई दोस्त ना था। वो गधे पर बैठकर खेतों की सैर करता था। वो गधे को घास खिलाता था और गांव के किनारे दरिया में उसे नहलाता था। मगर बाप को पता था कि गधा उनका कोई काम नहीं करता था, इसलिए बाप ने गधे को बेचने का फैसला कर लिया। जब बेटे ने ये खबर सुनी तो वो बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। अब मैं किसके साथ खेलूंगा? अब मैं किस पर बैठकर खेतों की सैर किया करूंगा? उसने कहा। बाप ने बेटे को गले लगाया और उसे कहा कि गधे को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वो उसे नए खिलौने लेकर देगा। फिर बाप, बेटा और गधा बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में एक आदमी उनकी तरफ देखा और इशारा करके ऊंचा ऊंचा हंसने लगा। तुम पागल हो जो चल रहे हो, जबकि तुम लोग गधे पर सवार हो सकते हो। बाप ने सोचा, ये आदमी ठीक कह रहा है। उसने अपने बेटे को गधे पर बिठाया और बाजार की तरफ चल दिए। बेटा एक दफा फिर गधे पर बैठकर बहुत खुश हुआ और आसपास के लोगों को खुशी से हाथ हिलाता रहा। अभी वो थोड़ा ही आगे गए थे कि वो कुछ लोगों के करीब से गुजरे। बेटे ने उनकी तरफ हाथ हिलाया, मगर उन्होंने वापस हाथ ना हिलाया। वो गुस्से से बेटे की तरफ इशारे करने लगे। उनमें से एक ने कहा, देखो सुस्त लड़के को, जिसका बेचारा बाप पैदल चल रहा है और वो खुद गधे पर सवार है। बेटे को इस बात पर शर्म आई कि वो खुद गधे पर सवार है और उसका बाप पैदल चल रहा है, इसलिए उन्होंने जगह बदल ली। अब बाप गधे पर बैठ गया और बेटा पैदल चलने लगा और वो बाजार की तरफ रवाना हो गए। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कुछ औरतों ने गुस्से से उनकी तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। उनमें से एक औरत ने कहा, आए हाय, इस सुस्त आदमी को देखो, जिसका बेचारा बेटा पैदल चल रहा है और वो खुद गधे पर सवार है। ये देखकर बाप परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि वो जो भी करे किसी को खुश नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उसने फैसला किया और अपने बेटे को भी गधे पर बिठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। आखिर वो बाजार पहुंच गए, जो लोगों से भरा हुआ था। सब लोगों ने उनकी तरफ इशारे किए और गुस्से से देखने लगे। फिर उनमें से एक आदमी ने कहा, ओए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि गधे पर इतना वजन डाला हुआ है, हत्ता के तुम लोग पैदल चल सकते थे। बाप गधे से उतरा और अपने बेटे को भी उतारा। दोनों परेशान थे और उन्हें समझ ना आई कि अब वो क्या करें। वो सोचते रहे और सोचते सोचते आखिरकार बाप के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने बेटे से कहा, हमें गधे को उठाकर ले जाना चाहिए। फिर उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा नीचे रखा और गधे के पांव उससे बांध दिए। फिर उन्होंने लकड़ी के टुकड़े और गधे को उठाया और अपने कंधों पर रख कर चल पड़े। ये करते हुए गधा ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा। और इर्द गिर्द सारे लोग उन्हें देखकर ऊंचा ऊंचा हंसने लगे।
जल्द ही वो बाजार के पुल पर पहुँचे। गधा लाते मारता रहा और चिल्लाता रहा और इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हुए और ऊंचा ऊंचा हंसने लगे। दोनों बाप बेटा गधे को पकड़े रखने की कोशिश करते रहे, मगर फिर गधे की हरकत की वजह से बेटे ने अपना तवाज़ुन खो दिया, खुद गिरते गिरते लकड़ी का टुकड़ा भी गिरा दिया। जैसे ही ये हुआ तो लकड़ी का टुकड़ा फिसला और गधा पुल के ऊपर से पानी में जा गिरा। गधे ने तैरने की कोशिश की मगर नाकाम रहा, क्योंकि उसके पांव बंधे हुए थे और वो डूब गया। सब लोग जो पहले हंस रहे थे अब बाप बेटे पर गुस्से से चिल्लाना शुरू हो गए। ओह नहीं, बेटे ने कहा, हमने तमाम लोगों को खुश करने की कोशिश की मगर अब तो सब नाराज हो गए। बाप ने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो कोई भी खुश नहीं होगा।